आईएलटीएस की तैयारी करने वाले बच्चों लिए एक बड़ी राहत की खबर। आईएलटीएस हुण करन जा रहा है एक बड़ा बदलाव। पूरे पेपर की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुसी सिर्फ एक मॉड्यूल का ही पेपर दोबारा दे सकते हो। हुण बार बार नहीं देना पड़ेगा तुहानू इम्तिहान। पंजाब दी हर वड्डी खबर ते वड्डा इंटरव्यू सब तो पहला देखण लई डाउनलोड करो प्रो पंजाब टीवी दा मोबाइल ऐप। जी हाँ, जेकर तुसी भी विदेश जाण दा सुपना सोच रहे हो या तुसी विदेश दे विच पढ़ाई करन बारे सोच रहे हो और आईएलटीएस तुहाडे वास्ते एक वड्डी सिरदर्दी बनी हुई है तां इह खबर तुहाडे लई है। विदेश दे विच पढ़ाई करन दे लई या विदेश दे विच पीआर हासिल करन दे लई आईएलटीएस दा टेस्ट क्लीयर करना बेहद लाजमी हुंदा है, पर कई लोगों नू इस इम्तिहान नू पास करन दे विच कई तरह दीयां समस्यावां आउंदियां ने। जेकर आईएलटीएस दे इम्तिहान दी गल करिए तां आईएलटीएस दे इम्तिहान दे चार मॉड्यूल हुंदे ने, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग ते स्पीकिंग। जेकर किसी बच्चे ने विदेश जाके पढ़ाई करनी है तां उस नू घट्टो घट 6 बैंड इन्हां सारे मॉड्यूल्स दे विच लैणे लाजमी हुंदे ने। और उत्थे ही जेकर कैनेडा दी पीआर दी गल कर लिए या ऑस्ट्रेलिया या होर कंट्री दी पीआर दी गल कर लिए तां उत्थे दे नियमां दे अनुसार वक्ख-वक्ख तरीके दे इह बैंड फिक्स कीते हुंदे ने। कैनेडा दे विच जेकर तुसी पीआर लैणा चाहुंदे हो तां तुहानू 8777 बैंड दी रिक्वायरमेंट हुंदी है, यानी 8 तुहानू लिसनिंग दे विच चाहीदे ने और बाकी 3 मॉड्यूल्स दे विच तुहानू 7-7 बैंड चाहीदे ने। पर कई बार पेपर देंदिया होया, इम्तिहान देंदिया होया एक विद्यार्थी दे वल्लों 3 मॉड्यूल्स दे विच तां चंगे नंबर लै लिते जांदे ने, पर एक मॉड्यूल दे विच नंबर घट आ जांदे ने, जिस करके उसकी वो पूरे इम्तिहान की फीस वेस्ट चली जाती है। पर हुण आईएलटीएस एक वड्डा बदलाव करन जा रही है। आईएलटीएस दे वल्लों ऑस्ट्रेलिया दे विच एक डेमो टेस्ट शुरू किया जा रहा है और नवंबर दे शुरुआत दे विच इसनू शुरू किया जाऊगा, जिस दे विच जेकर कोई विद्यार्थी आईएलटीएस दा इम्तिहान दे रहा है और उसके किसी एक मॉड्यूल दे विचों घट नंबर आउंदे ने तां उह सिर्फ एक मॉड्यूल दा टेस्ट इम्तिहान दोबारा दे सकदा है। यानी कि हुण पूरे पेपर दी तैयारी करन दी जरूरत नहीं पऊगी, तुसी सिर्फ एक मॉड्यूल दा ही पेपर दोबारा दे सकदे हो। जेकर इस नू एक एग्जांपल दे नाल समझाणा होवे तां जिवें एक विद्यार्थी पेपर दी तैयारी कर रहा है, इम्तिहान दी तैयारी कर रहा है, आईएलटीएस उस दे वल्लों उसकी तैयारी की जा रही है और वह पेपर दिंदा है और पेपर दे विच उसके नंबर आउंदे ने 8, 7, 7 ते 6, पर जेकर उसने कैनेडा की पीआर हासिल करनी है तो उसनू उस मॉड्यूल दे विच, यानी एग्जाम्पल के तौर के उत्ते जे असी राइटिंग की गल करिए जिस दे विच अक्सर विद्यार्थियों के नंबर घट आते हैं उस दे विच 6.5 आ जाते हैं, तो उसनू एक बार फिर तो सारे पेपरों की तैयारी करनी पैंदी है। पर हुण ऑस्ट्रेलिया यह मौका दे रहा है कि तुसी कल्ले उसी मॉड्यूल का पेपर दोबारा भर सकते हो, यानी कि रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग करन दी लोड़ नहीं जिस दे विच तुहाडे नंबर चंगे आए हुए ने, बल्कि तुसी राइटिंग दा इकल्या पेपर दे के ओ स्कोर नू हुण तुसी पुराने स्कोर दे नाल जोड़ सकते हो। तो यह वड्डी राहत भरी खबर कई बच्चों के वास्ते कारगर भी साबित होगी और कई बच्चों नू इसका लाभ भी मिलता होया नजर आऊगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया 1 नवंबर तो इस पूरी रूल नू शुरू करन जा रही है, पर देखना होगा कि यह भारत दे विच कदों आउंदी है। आईएलटीएस दे पेपर लैण वालियां 2 वड्डियां संस्थावां ने, ब्रिटिश कौंसिल और आईडीपी। तां ऑस्ट्रेलिया दे विच आईडीपी इस रूल नू लागू करन जा रही है जिस दे तहत हुण जेकर कोई विद्यार्थी दोबारा तो किसी मॉड्यूल दे विच इम्तिहान देना चाहुंदा है तां उह इम्तिहान दे के अपने नंबर चंगे लैके आ सकदा है, अपना स्कोर वधा सकदा है।